अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ आवर फिफ्थ लेक्चर। लास्ट में हमने सेंसेशन और परसेप्शन के बारे में पढ़ा, आज हम लोग लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे कि लर्निंग क्या होती है। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ देखें तो वो कहते हैं, लर्निंग इज अ प्रोसेस बाय विच एक्सपीरियंस प्रोड्यूसेस अ रिलेटिवली एंड्यूरिंग चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म बिहेवियर और कैपेबिलिटीज। वो कहते हैं लर्निंग एक वो प्रोसेस है जो आप अपने कोई भी इन्वायरमेंट में किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो, उस एक्सपीरियंस की बेस में जो आपके बिहेवियर के अंदर, आपकी कैपेबिलिटीज़ के अंदर जो चेंज आता है, जो लास्टिंग चेंज आता है, जो आपके अंदर रिजिस्ट करता है, बहता है काफ़ी अर्से तक, जो चेंज आता है उसको आप लर्निंग कहते हो। कोई भी एक्सपीरियंस जिसकी वजह से आपके बिहेवियर या कैपेबिलिटीज़ के अंदर जो लास्टिंग चेंज आता है उसको हम लर्निंग कहते हैं। अब वो कहते हैं जब हम कैपेबिलिटीज की बात करते हैं तो वो जस्ट नोइंग हाउ नहीं है, उसका मतलब होता है डूइंग भी, कि आप वो काम करो भी। कैसे? कि जब आप कोई भी देखते हो, कोई भी एक्सपीरियंस आपको होता है, वो आपको एक इमीडिएट नॉलेज दे देता है। आपको आप देख रहे हो कि जैसे इसमें एग्जांपल दी हुई है कि टीवी पर रेसलिंग मैच देखे, आप कोई भी स्टंट सीख लेते हो, कोई भी मूव सीख लेते हो, तो वो आपकी जस्ट नॉलेज में इजाफा करता है कि आप वो देख के सीख लेते हो, लर्न कर लेते हो, बट वो आपकी नॉलेज में इजाफा कर रहा है। पर जब हम लर्निंग को मैया करेंगे तो वो आपके एक्चुअल चेंज देखेगी कि आपकी परफॉर्मेंस के अंदर चेंज आया है कि नहीं आया है। जो चीज़ आपकी नॉलेज में, जिस चीज़ से इजाफा हुआ है, जिस एक्सपीरियंस की बेस में, लेटर वो आप उसको अप्लाई करते हो या नहीं करते हो, तो जो आपकी लर्निंग है वो डूइंग में आती है कि वो काम आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जैसे जो आपने जो भी मूव रेसलिंग मैच में टीवी पे देख के अपनी नॉलेज में इजाफा कर लिया है, तो उसके बाद आप वो वाला मूव अपने खुद परफॉर्म करते हो तो आपके बैट्समैन लर्निंग में इजाफा हो जाता है, आप कोई चीज लर्न कर रहे हो, क्योंकि वो कह रहे हैं बट इन साइंस वी मस्ट मेजर लर्निंग बाय एक्चुअल चेंजेस परफॉर्मेंस। मीन जो हम लर्निंग को जिस तरह से मेजर करेंगे वो हमारे एक्चुअल जो चेंज आएगा परफॉर्मेंस के अंदर, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो अगर आप देखो कि आप डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हो, ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ पढ़ते हो वो आपकी नॉलेज में इजाफा कर देती है, बट जब तक आप उस पर एक्ट अपॉन नहीं होते, जब तक आपके परफॉर्मेंस के अंदर, जब तक आपके बिहेवियर के अंदर चेंज नहीं आता, वो आपकी लर्निंग नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि हम बेसिकली फोर लर्निंग प्रोसेस पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हैबिचुएशन, उसके बाद क्लासिकल कंडीशनिंग, उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग और उसके बाद ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। अच्छा, लर्निंग जो है वो कहते हैं वो होता है कि आप अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से अडॉप्ट करते हो, आपकी पर्सनल अडॉप्टेशन कैसी है। जब आपके एनवायरनमेंट में डिफरेंट स्टिमुलाय हैं, उसके आप जो इनकाउंटर करते हो, उसके रिस्पॉन्स में आप कैसा बिहेवियर शो करते हो। आप एक इन्वायरमेंट में रह रहे हो, उसके अंदर बहुत सारे आपके इवेंट्स हो रहे होते हैं, आप बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, आप उनको सबको एकदम से लर्न नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जो, अगर आप एकदम सब पे ध्यान दोगे तो एक तो आप उन पर फोकस नहीं कर पाओगे, किसी एक पे भी सही से नहीं सीख पाओगे और थक जाओगे जल्दी और एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो कहते हैं कि जो लर्निंग आप हर इवेंट पे एकदम फोकस नहीं कर सकते, तो हमें देखना चाहिए कि कौन सा इवेंट हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सी हमारी वेलबींग के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप देखो कि हमारे जो फूड है या वाटर है, सर्चिंग फॉर फूड, सर्चिंग फॉर वाटर, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, क्योंकि हम इसके बगैर नहीं रह सकते, तो ये इवेंट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हमको हमें इनको सर्च करने के तरीके आने चाहिए कि हम किस तरह से फूड ढूंढ सकते हैं, किस तरह से हम वाटर ढूंढ सकते हैं। तो जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे वेलबींग के लिए जरूरी होते हैं, हमारे वो इवेंट्स लर्न करना इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद बात आती है कि स्टिमुलाई सिग्नल दैट एन इम्पोर्टेंट इवेंट इज अबाउट टू अकर, कि आपको पता हो कौन सा स्टिमुलाई आपको सिग्नल दे रहा है कि अब एक स्पेसिफिक इवेंट होने वाला है, एक इम्पोर्टेंट इवेंट होने वाला है। जैसे कि अगर आप घर में एंटर हो, ठीक है, और आपको खुशबू आती है कि किचन में कुछ बन रहा है, तो क्या होगा, वो जो स्मेल है, वो जो आपका स्टिमुलाई आ रहा है आपकी तरफ खुशबू की सूरत में,
वो आपको बता रहा है कि इम्पोर्टेंट इवेंट क्या होने वाला है, कि घर में खाना पक रहा है, तो वो क्या होगा कि एक स्टिमुलाई जो सिग्नल करता है कि जो इम्पोर्टेंट इवेंट जो है वो होने वाला है, वो स्टिमुलाई भी आपके देखना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अगर आप इसकी बात लो कि आप वेदर फॉरकास्ट में या टेम्परेचर देखते हो, जो आपका स्टिमुलाई है कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है, ठीक है, तो आप वो आपको पता चल जाता है टेम्परेचर से कि बाहर बहुत ठंड है, क्योंकि ये अगर माइनस में टेम्परेचर जा रहा है या अगर 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर है तो दैट मीन बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, तो आपको उस स्टिमुलाई से पता चल जाता है कि बाहर ठंड पड़ रही है। उसके बाद वो कहते हैं कि वेदर इट्स रिस्पॉन्सेज विल प्रोड्यूस पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। किसी भी चीज को सीखने या किसी भी आदत को छोड़ने के लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेज पे गौर करना बहुत जरूरी होता है। आपका कोई भी रिस्पॉन्स है अगर तो वो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज उससे आ रहे हैं तो आप वो चीज बहुत जल्दी अडॉप्ट करोगे, लेकिन अगर आपके उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं तो आप वो काम करने से दूर रहोगे। जैसे कि अगर बाहर ठंड पड़ रही है, आपको पता चल गया टेम्परेचर से कि बाहर ठंड पड़ रही है और आपने बाहर जाना है और आप जैकेट या स्वेटर पहन के चले जाते हो, तो आपको बाहर ठंड इतनी तंग नहीं करेगी, ये आपके लिए पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज है। टेम्परेचर आपने देखा, उससे आपको पता चला ठंड पड़ रही है, इवेंट ऑफर हो रहा है, तो आपका रिस्पॉन्स क्या हुआ, आपका बिहेवियर क्या हुआ कि आपने स्वेटर पहन लिया या जैकेट पहन लिया, उससे कॉन्सिक्वेंस क्या आया कि आपको ठंड नहीं लगी, तो ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस आया। अब ऑल्दो आपको पता है बाहर ठंड पड़ रही है, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं पहन के जाते स्वेटर या जर्सी, आप सिंपल कपड़ों में चले जाते हो, तो इसमें क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आएगा, क्योंकि जब आप बाहर जाओगे आपको ठंड लगेगी और हो सकता है आप बीमार भी पड़ जाओ, तो ये आपके लिए क्या होंगे, ये आपके लिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और आप फ्यूचर में ये चीज लर्न कर लोगे कि आपको ठंड में बिना स्वेटर या जर्सी के जाना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हैबिचुएशन की। हैबिचुएशन क्या होती है? हैबिचुएशन इज अ डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ रिस्पॉन्स टू अ रिपीटेड स्टिमुलस। वो कहते हैं कि जो स्टिमुलस आपके सामने बार बार आए जा रहा है, आप उसका जो रिस्पॉन्स है आप कम करते जाते हो, उसकी वजह से अपने बिहेवियर में चेंज या उस पर रिस्पॉन्स देना कम करते जाते हो, जो भी इन्वायरमेंट में जो बार बार स्टिमुलस आपके सामने आ रहा होता है, तो आप उसके रिस्पॉन्स में आप कोई भी बिहेवियर शो करना कम कर देते हो। जैसे कि अगर आपके एनवायरनमेंट में कोई न्यू साउंड आई है या कोई न्यू चीज आई है, तो आप उसको बहुत जल्दी नोटिस कर लोगे और आप उस पर फोकस करोगे कि ये यहाँ से ये आवाज आ रही है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो आपका जो रिस्पॉन्स है उस चीज को लेके, उस आवाज को लेके, वो कम होता जाएगा, क्योंकि आप उसके हैबिचुएट हो जाओगे, ठीक है। जैसे अक्सर होता है कि आप कहीं बार रोज कहीं पर जाते हो, जैसे लोग वॉक के लिए जाते होते हैं, तो समटाइम्स उनको पता होता है कि हैबिचुएट इतना ज्यादा हो जाते हैं वो जो उस रास्ते में आने वाली चीजों के, ये कि यहाँ पर साइन बोर्ड है, यहाँ पर ये है, कि उनको पता होता है कि अब इन्होंने यहाँ से लेफ्ट पे हो जाना है, अब यहाँ से राइट पे हो जाना है, क्योंकि वो इतना ज्यादा हैबिचुएट हो जाते हैं वहां से बार बार जाके, कि वहां पर अगर कोई नई चीज आएगी तो वो दोबारा से उनकी अटेंशन लेगी, लेकिन अगर वही सब चीजें सेम रहेंगी तो वो उनका आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों के लिए जो उसका रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं जो हैबिचुएशन होती है वो समटाइम्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों, किस वजह से? क्योंकि वो कहते हैं कि अगर, जैसे हमने पहले बात की कि एनवायरमेंट में बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं, आपने जिनके ऊपर इवेंट्स हो रहे होते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो अगर आप एक ही को लेके बार बार रैपिडली उसी पे आप रिस्पॉन्स दोगे जो आपके लिए फेमिलियर हो गया, तो आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म या एग्जॉस्ट हो जाओगे, थक जाओगे। तो एक चीज रोज हो रही है, अगर आप दोबारा दोबारा उस पर गौर करोगे, ये एक चीज बैकग्राउंड में हो जा रही है, अगर आप उस पर दोबारा दोबारा करोगे तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, थक जाओगे, और इस वजह से आपके जो एनवायरमेंट में दूसरे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट्स हो रहे होंगे या इम्पोर्टेंट स्टिमुलाई मौजूद होंगे, आप उन पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो वो कहते हैं इस वजह से समटाइम्स हैबिचुएशन एक अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि आप लर्न कर जाते हो कि जो आपके लिए फेमिलियर स्टिमुलाई हो गए आप उन पर रिस्पॉन्ड करना कम कर देते हो, ताकि जो आपके
एनवायरनमेंट के अंदर जो दूसरे इम्पोर्टेंट स्टिमुलाई हैं आप उनकी तरफ अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर सको। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि जो हैबिचुएशन है वो साइंटिस्ट रिसर्चर्स जो होते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई जो वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स या फोटोग्राफर्स वगैरह होते हैं अगर वो शुरू शुरू में जब कहीं भी उनके नेचुरल हैबिटेट में जाते हैं तो उन लोगों के जो जो एनिमल्स होते हैं वो शुरू शुरू में उनको देख के बहुत साइड साइड पे रहते हैं, डर के रहते हैं और उन पे अपने रिस्पॉन्सेस शो नहीं करते, अपने घरों से बहुत कम ही निकलते हैं। तो जैसे जैसे उनको उनकी प्रेजेंस की आदत हो जाती है, वो 2-3, 4-5 दिन वो जो साइंटिस्ट है वो लगातार उधर पर रहते हैं तो उसको जो एनिमल्स हैं उनको उसकी प्रेजेंस की आदत हो जाती है और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपने जो नॉर्मल उनका नेचुरल रिस्पॉन्सेज है उनकी तरफ आते जाते हैं और उसी तरह उनकी लाइफ गुजरना स्टार्ट हो जाती है। तो जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए नेचुरल रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करना ईजी हो जाता है। इसी तरह अगर आप किसी पर्सन का या किसी का जो ह्यूमन बींग्स है अगर आप उनका भी बिहेवियर नोट करना चाहते हो, जैसे अगर आप चिल्ड्रन का बिहेवियर देखते हो क्लासरूम के अंदर, तो आप एक पहले नया बंदा जाएगा तो शुरू शुरू में वो लोग बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे, ठीक है, अपना जो रिस्पॉन्सेज नहीं देंगे, बहुत साइड पे होके बैठेंगे, कोई भी बात करते हो डरेंगे। लेकिन जैसे जैसे उस बंदे की आदत होती जाएगी स्टूडेंट्स को, बच्चों को, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मौजूदगी के आदि हो जाएंगे। उसके बाद अगर वो साइड पे बैठा भी है तो लेकिन वो फिर भी परवाह किए बगैर अपने नेचुरल रिस्पॉन्सेज देंगे। तो वो इस तरह कहते हैं कि समटाइम्स जो हैबिचुएशन होती है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी लर्निंग में, ठीक है। तो ये हैबिचुएशन था, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग फिनिश नहीं करेंगे।